तो लेडीज एंड जेंटमैन दिस इज द मॉड्यूल वन हंड्रेड तो सेंचुरी हो रही है अच्छा जी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क कॉन्टेक्स आइडेंटिफिकेसन वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिस्केंटिफिकेशन हमने ये देखा था कि हमने थ्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वन सेकेंड हमने एसेस करना है वर्बिलिटी को कि जो क्रिटिकल एसिट्स हैं एक यानी सेकंड पॉइंट हो गया थर्ड द थ्रेट ऑफ द रिस्क फोर्थ रिड्यूसिंग रिस्क हर दिन के साथ हम अपने रिस्क को कैसे काम डाउन करेंगे उसको लोअर डाउन करेंगे उसे uh, करेंगे अच्छा डेप्रिसिएट करेंगे आपके पास एक गाड़ी है आप जितनी पुरानी गाड़ी लेंगे उसका गाड़ी का मकसद क्या है ईज ईज क्या है तेज ट्रांसपोर्टेशन तेज ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि आपको वो कहीं ना प्रॉब्लम ना करे आपके पास इतना बेहतरीन पॉइंट्स होने चाहिए कि जब आप निकलें तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आए अच्छा इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल रखना है लेकिन अगर आप जा रहे हैं और उसके अंदर कन्फर्म बात है कि कहीं ना कहीं वो रुक सकती है और किसी वक्त भी रुक सकती है कोई बेल्ट उसकी स्पीड बेल्ट उसका एक्सलेटर उसका फ्लाँ उसका इंजन उसका हीटिंग बेल्ट जो भी कुछ टूट छूट गया रेडिएटर फट गया सो किसी भी तरह से आप रेडी नहीं है फॉर एनी यानी किसी भी ट्रेवल के लिए कहीं पर जाने के लिए सो so, आपको अपना measure करना पड़ेगा कि आपने रिस्क रिडक्शन को मैयर करना है और हर जगह जहां पहुँचना है आप बड़े रिस्क लीजिए रात को निकलिए दिन को निकलिए आप किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फिर आप, आप बिल गेट्स का बड़ा मशहूर है आप इसमें मेथोलॉजी है या स्टोरी आई डॉन नो बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक जगह वो जा रहे थे तो उनका बटवा नीचे से घुर गया और उन्होंने नहीं उठाया उन्होंने कहा आपने बटवा क्यों नहीं उठाया उन्होंने कहा जस्टिस के लिए मैं जा रहा था वहाँ से तीन सौ बिलियन डॉलर का वहाँ से डील है तो मैं चंद डॉलर्स के लिए झुक कर जो है वो तीन सौ बिलियन डॉलर का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता नान इस इसी तरीके से एक और उन्होंने डील की कि जिसके अंदर चार फाइनेंशियल जो उनके सी लेवल फाइनेंस ऑफिसर्स थे वो अदालत में खड़े हैं केस लड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जुर्माना तीन सौ अरब रुपये का ना तीन सौ अरब डॉलर का ना हो सो उस वक्त बिल गेट्स की हाजिरी का वेट कर रहे होते थे वो प्ली करवाने के लिए वहाँ पे अदालत पेशी करने के बजाय वो क्या करते हैं कि वो किसी और जगह फ्लाई करते हैं ये फ्लू एल्स उन्होंने कहा अदालत के सामने पेश किया उन्होंने कहा जी आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा तो फाइनेंस कोऑपरेट फाइनेंस और ये सब के लोगों ने आके उसको कहा कि आप जब चले गए हमने मेहनत की हुई थी हमने दिन रात एक किया हम केस जीत रहे थे सिर्फ आपकी पेशी थी आपने ये लफ्ज़ बोलना था तीन सौ डॉलर हमारे बच जाने थे यानी तीन सौ अरब डॉलर जो है वो इतना हमारा बच जाना था आप अगर आ जाते आप तो उधर से मूव कर गए हमारी मेहनत तो गई अकारत तो उसने ये कहा कि काम आपका था आप इसी के पैसे ले रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया आपको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये तीन सौ डॉलर जो यहाँ पर मैंने अरब रुपए जितना भी मैंने करना है यहाँ को मैं इसको पेनल्टी पेश कर दूँ जो मैं बिज़नेस डील करने जा रहा था जो मैं आधे घंटा फ्लाई करके गया वहां पे मैं तकरीबन 1200 अरब डॉलर की बिजनेस की डील करके आया सो so ये तो उसमें पूरा हो जाएगा मैं तकरीबन तीन गुना और मुनाफे के साथ वापस आ रहा हूँ हाउ यू कैलकुलेट हाउ यू फॉर प्रडिक्शन बाय द प्रोडक्शन इज हवा ख्याल, हो जाएगा इस तरह नहीं होता आपको यू मस्ट है आगे चलते हैं जी Initially, entrepreneur should define the risk area to category that want to treat further. And then they are discussing that an important issue is that the entrepreneur be aware about the risk he may face during his work. This is known as risk context. Then they say the entrepreneur should establish a systematic approach of managing. Jo सो so, दुनिया की सारी किताबें वही कह रही हैं जो अभी मैंने आपको अर्ज की और जब अर्ज कर दिए कि हमने मिटिगेट करना है फोरकास्ट करना है हमने प्रिडेक्ट नहीं करना डोंट गो फॉर एनी प्रोडक्शन जी बट डू ऑलवेज फोकस द दूस गट फीलिंग टच योर हार्ट टच योर हार्ट और जो कुछ उस जमाने में आ जाए और डोंट एवर गो फॉर आप कंपटीशन पर नजर रखें कंपटीशन में पड़े मत आगे समझाई जी पर्टिकुल प्योर रिस्क कैन ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट एंड इंटरनल हमने अक्सर बात की पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशियो टेक्नोलॉजिकल बेस्टिस कर लें पोलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है फेवर करेगा पॉलिसीज क्या है फेवर करेंगी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है फेवर करेंगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के अंदर हमारे पास लेबर है हमारे पास स्किल है हमारे पास उस एरिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है तब आप प्लास्टिक मोल्डिंग लगा लीजिए अगर आपके पास यहाँ इसमें कार इस्बलिंग के लिए बेहतरीन है आप बी एम को फ़ोन कर दीजिए आप कहें कि जी हम यहाँ पे वी बनाना शुरू करेंगे आप बिल्कुल बनाइए अगर आपके पास रिसोर्स है तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कोई भी काम करने से पहले कि हाउ मच रिस्क इज़ इन्वॉल्व द मेजर ऑफ रिस्क गिव यू द रियल इन्टनमेंट वट एवर यू वॉन्ट टू डू और टू इस्टेब्लिश द बिजनेस थैंक यू वेरी मच